कोलाइडल सॉल्यूशंस, देखो मैं लास्ट पॉइंट बता चुका हूँ कोलाइडल सॉल्यूशन है क्या भाई, इंटरमीडिएट स्टेट है। पहली बात, मिक्सचर होना जरूरी है, प्योर सब्सटेंस की कोई कोलाइडल स्टेट नहीं हो सकती। प्योर H2O कोई कोलाइडल नहीं, प्योर गोल्ड कोई कोलाइडल नहीं, प्योर O2 N2 कोई कोलाइडल नहीं। समझ में आ रहा है? तो इतना ध्यान रखना, जो बेसिक डिफरेंस है वो तो मैं बता ही रहा हूं। पहले तो आप सब्सटेंस को तोड़ना सीखो। कैसे तोड़ोगे आप? प्योर सब्सटेंस, इसको आप ले सकते हो एलिमेंट कंपाउंड एलिमेंट को, फिर आगे को तोड़ते जाओ। लेकिन हम पर हमको प्योर सब्सटेंस लेना ही नहीं है, हमें क्या लेना है? मिक्सचर। मिक्सचर में दो हो गया हमारे लिए, होमोजीनियस। होमोजीनियस में एक ही चीज है और वो है सॉल्यूशन, जबकि हिट्रोजीनियस, हिट्रोजीनियस में दो है, कोलोइडल और सस्पेंशन। ये हमें अब पढ़ना है कि क्या चीज हमारे लिए आएगी। सही है? तो अब आगे कोलाइडल की डेफिनेशंस। इतना बताने के बाद कोलाइडल की डेफिनेशंस बता रहा हूं। कोलाइडल इज ए हिट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस डिस्पर्स्ड जिसको हम डिस्पर्जन फेज बोलते हैं, डिस्पर्स फेज बोलते हैं, एज वेरी फाइन पार्टिकल। इन अदर सब्सटेंस, अनदर सब्सटेंस जिसे हम डिस्पर्स मीडियम बोलते हैं, यानी कोलाइडल इज द हिटोजीनियस मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस डिस्पर्स एज वेरी फाइन पार्टिकल, एज ए वेरी फाइन पार्टिकल इन अनदर सब्सटेंस डिस्पर्जन मीडियम। और एक और चीज जो यहां पर हमारे को कोलाइडल को दूसरे से अलग करती है कि कोलाइडल पार्टिकल जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा, ठीक है? किस रेंज में होगा? 1 नैनोमीटर से आपके पास आएगी इसकी लेंथ 1000 नैनोमीटर। अंगस्ट्रम में मीटर में चेंज कर सकते हो, तो हमारे लिए तीन तरह के सब्सटेंस हो गए। अब हमारे पास, आप ऐसे समझिए, ये मेरे पास H2 है, समझाने के लिए ये मेरे पास दूसरा सब्सटेंस है, ठीक है? तो H2 को आप क्या बोलोगे? आप इस लैंग्वेज को नहीं समझ के इस लैंग्वेज को समझो, क्या बोलोगे इसको? डिस्पर्स्ड, बोलो जल्दी से, मीडियम। और इसको क्या बोलोगे आप? डिस्पर्स्ड फेस। लेकिन अभी कुछ भी नहीं बोल सकते, पता है क्यों? क्योंकि अभी मिले नहीं है, मिलने के बाद बोलो आप, मिलने से पहले मत बोलो, समझना है ना, ठीक है भाई? ये दूल्हा दुल्हन अपन बोल देते हैं, लेकिन शादी होने के साथ ही बोलते हैं भैया, पहले नहीं, अभी मिलने दो पहले, ठीक है? तो ये आपके पास मिल गए, अब सही है। हाँ, उस समय आप बोल दो ये जो चीजें है ना, अब बोलोगे तो सही रहेगा, पक्का। और ये हिट्रोजीनियस है, और इसकी जो साइज है ना, पार्टिकल साइज, एक कोई भी एक पार्टिकल की ले लो, 1 नैनोमीटर से
थाउजेंड नैनोमीटर। थोड़ा सा यूनिट पे कमांड है, नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻¹⁹ मीटर, सही है। और थाउजेंड नैनोमीटर करो 10⁻⁶ मीटर, क्या बात है, तो कर सकते हो। और इसको क्या बोलोगे आप, 10⁻³ माइक्रोमीटर, मेरे ख्याल से माइक्रोमीटर ही हो जाएगा। यदि आपको अंगस्ट्रम में शो करना है तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितने अंगस्ट्रम होंगे, 10 अंगस्ट्रम टू, कुछ बुक्स इसको रेंज लेती है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, कुछ 1000 तक ले लेती है, मैं 1000 ही ले रहा हूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लिखो आप, पहले तो दिमाग में बनाना है हमारे पास तीन चीजें हैं, एक ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्व, सस्पेंशंस। इमेज कैसी रहेगी, ये पानी है और इसमें जो नमक डाल दिया वो दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ डॉट, क्यों, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ NaCl है। तो इसका एग्जाम्पल NaCl एक्वास। अब आप NaCl एक्वास की जैसे बोलूंगा आपके दिमाग में एक इमेज आ जाएगी, भाई पानी का ग्लास है उसमें एक चम्मच नमक डाल दिया आपने, ठीक है NaCl एक्वास। कोलाइडल सॉल्व, मैंने क्या करा, पानी भर दिया एक ग्लास और इसमें मैंने या तो मैंने इसमें कोई गम डाल दिया है बहुत बड़ा, हाइड्रोकार्बन या ग्लूकोज डाल दिया, ठीक है, तो गम ही डाल देता हूँ अभी आपके लिए। गम आपने देखी है, वही पेड़ से निकलती वाली गम नॉर्मल, और उसको डाल दिया, हाइड्रोकार्बन वही होते हैं शायद, कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, ठीक है वो डाल दिया, तो कैसा रहेगा, बहुत जाड़ा जाड़ा सा रहेगा, गम बनने के बाद ऐसा लगता है चाशनी जैसा हो गया, ठीक है। और सस्पेंशन, ऐसा लग दिया मैंने स्टोन डाल दिया पानी के अंदर, तो ये मिट्टी डाल दी, सैंड पार्टिकल, सैंड पार्टिकल, ठीक है नीचे बैठ जाएगा। अब जब इमेज आ गई आपके, तो आप आराम से उसके बारे में सोच सोच के लिखते जाओ कैसा दिखेगा। पहला चीज जो मुझे दिख रही है ट्रू सॉल्यूशंस, क्या आपको पार्टिकल आंखों से दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे। एक और चीज, यहां अपन बोलते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, यहां हम बोलेंगे डिस्पर्स फेस, इसको डिस्पर्स्ड डिस्पर्स फेस्ड प्लस डिस्पर्जन मीडियम और क्या बनाएगा ये सॉल्व, थोड़ा सा ये बड़ा पार्टिकल दिखा दो। और इसके लिए क्या बोलोगे सर, मिल ही नहीं रहा ढंग से कहीं पे भी, तो कुछ भी मत बोलो, यहां तो आप H2O सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूट तो हम बोलो, या जो मिला हुआ है कहीं तो घुले घुल ही नहीं रहा, तो नॉट डिजॉल्व, डिजॉल्व ही नहीं है, तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। ये तो आपके दिमाग में इमेज बना हुआ है पहला। दूसरा जो आपके दिमाग में बना हुआ है ये है साइज 1 नैनोमीटर से छोटी होती है, समझ में आ रहा है, तो क्या आपको आंखों से दिखाई देगा, नहीं, आपको माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे, यार दिख ही नहीं रहा, आप कोशिश कर लो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है ये आपको दिख जाएंगे साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से छोटा, सही है। नेक्स्ट, ये चीज हमारे लिए क्लियर है, यहां साइज इतनी ज्यादा बड़ी होगी कि आपको कोई सोचना ही नहीं है, सोचने की जरूरत है नहीं, 1000 से भी बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये आंखों से दिखाई देते हैं आपको, ये आपको
दिख जाएंगे माइक्रोस्कोप से, ये बड़ी मुश्किल है, इनको नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट, क्या इनको सेपरेट किया जा सकता है? नॉट सेपरेट, इनको अलग ही नहीं कर पाओगे आप, बहुत छोटे हैं, किसी आप चाय छन्नी से छानोगे निकल जाएंगे। इसके साथ क्या है? चाय छन्नी से छानो छिन जाएंगे, पक्का? तो सेपरेट बाय सिंपल फिल्टर, फिल्टर पेपर लिख देता हूं मैं। इसके लिए क्या बोल सकता हूं? सेपरेट बाय सेमी परमीबल मेम्ब्रेन्स, या कोई भी चारकोल लेयर वगैरह, इससे भी छन जाते हैं, या सैंड पार्टिकल लेयर होती है बहुत बड़ी, उससे भी कर लेते हैं। जैसे समझना, आप, मैं आपको बताऊं, मेरे पास चाय बनी हुई है, गैस से निकाली मैंने, मैंने सबसे पहले चाय छन्नी से छान लिया अच्छे से, तो उससे ऊपर जो चाय छन्नी में आ गए वो सारे कौन से हैं? सस्पेंशन पार्टिकल। वो जो चाय मेरे को निकल के आएगी ना, वो क्या है? वो मेरा है कोलाइडर, समझिएगा। अब कोलाइडल है, करें क्या भैया, उसको कितना ही छान लो चाय छन्नी से, कॉटन कपड़े छान लो, वो तो चाय वैसी ही दिखेगी। लेकिन उसको एक काम करो, एक बार एक्वागार्ड से छान के देखो, बिल्कुल प्योर पानी दिख जाएगा आपको, समझ रहे हैं? क्यों? एक्वागार्ड नॉर्मल, या टाटा स्वच, या वो प्योरिट ले लो, इनमें क्या होता है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन्स होती है, आर्टिफिशियल ही सही, आर्टिफिशियल लगाते हैं आजकल, तो वो क्या कर देती है, वो सारा चाय का पूरा कलर जो कोलाइडल पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे कलर जनरेट हो रहा था। अब बचा पानी, पानी में हल्की फुल्की मिठास रहेगी, या हल्का सा टेस्ट तो रहेगा चाय का, कि हाँ शक्कर डाली थी ना, क्यों? क्योंकि वो ट्रू सॉल्यूशन है, वो अलग नहीं हो रहा, आ रही है बात समझ? तो जो सॉल्यूशन होता है, जो लिक्विड होता है, बैक्टीरिया होते हैं, वो सब कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में होते हैं, बैक्टीरिया, वो सब छन जाएंगे। लेकिन जो सॉल्ट का टेस्ट होगा, वो आप टाटा स्वच से नहीं हटा सकते, नहीं हटा सकते, समझ में आ रहा है? उसके लिए तो फिर आपको स्पेशली आरओ सिस्टम लेना पड़ेगा, कुछ कुछ समझ में आया? तो वो चीज हो जाएगी आपके पास, यस और नो? तो ये हमारा एक लॉजिक निकल के आया। जल्दी जल्दी, ये क्या लग रहा है, होमोजीनियस हेटरोजीनियस? बोलो जल्दी से, होमोजीनियस। ये क्या लगेगा आपको? अरे हेट्रोजीनियस। और ये क्या रहेगा? हेट्रोजीनियस। बोलो हाँ। तो देखो, कुछ होमोजीनियस है, कुछ हेट्रोजीनियस है, सारी चीजें क्लियर है? क्या ये सेटल हो जाएगा थोड़ी देर बाद? नहीं, नमक पानी में मिलाया, दो दिन रखेगा तो क्या नमक सीधा नीचे आएगा? नो। तो आप क्या बोल सकते हो? फिफ्थ, नॉट सेटल। इसके लिए क्या बोलोगे? नॉट सेटल। इसके लिए क्या बोलोगे? इसमें थोड़ी देर बाद सेटल हो जाएगा। हाँ हाँ, क्या चाहता है तू? चाय रख दे 2 घंटे के लिए, क्या पूरी की पूरी नीचे सेटल हो जाएगी क्या? नहीं, तो नहीं सेटल होगा, ठीक है ना? अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो नहीं हो रहा है, ठीक है, पक्का? सेपरेशन का मतलब क्या है? पार्टिकल निकालना। हाँ बोलो, छान कर सेटल करना, चलिए ठीक। एक और पॉइंट जो मैं समझाना चाहता हूं, हटा दूं ये, आपको क्या लगता है? मेरे पास बहुत सारे कोलाइडल बने हुए हैं, और उन कोलाइडलों को नाम देना चाह रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी, वो भी आपके साथ नाम दें अपन। कुछ कोलाइडल, सबसे पहले टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉल्व हेडिंग डाल लीजिए आप, टाइप्स ऑफ कोलाइडल, कोलाइडल डिस्पर्स फेज,
डिस्पर्स मीडियम, कौन ज्यादा होगा डिस्पर्स फेज या डिस्पर्स मीडियम? मीडियम, मीडियम सॉल्वेंट को बताता है एक तरह से। और कोलाइडल का नाम क्या होगा? तो टाइप्स, उसका नाम क्या होगा? टाइप्स ऑफ कोलाइडल या नेम ऑफ कोलाइडल। और उसका एग्जाम्पल क्या होगा? कुछ एग्जाम्पल भी देख लेंगे अपन। तो सबसे पहले डिस्पर्स फेस, कोई भी एक बोल दो, सॉलिड, और दोनों ही ले लिया मैंने सॉलिड, तो क्या नाम रखूंगा? जब नाम, हमेशा अगर नाम नहीं मालूम तो डिस्पर्स मीडियम के नाम से रखा जाता है, सॉलिड सॉल। एग्जाम्पल बोलो जल्दी से, जितने भी जैम है, प्रीशियस सॉलिड है, स्टोन है, वो सब इसमें आ जाएंगे। तो मैं अभी तो जैम ही लिख देता हूं, जैम स्टोन्स। ठीक है, जैसे रूबी, डायमंड, जो भी है, पुखराज, नीलम वगैरह वगैरह, जितने भी जैम है वो सब इसमें आ जाएंगे, सॉलिड सॉलिड में। सेकंड लेते हैं सॉलिड लिक्विड। अब बताओ कौन ज्यादा है? लिक्विड है। एग्जाम्पल बाद में सोचेंगे, इसको बोलेंगे क्या फिर? लिक्विड सॉल्व। और एग्जाम्पल अगर आएगा तो लिक्विड ज्यादा होना चाहिए, सॉलिड कम होना चाहिए? पेंट, सही है। और क्या ले सकते हो? मिलता जुलता एग्जाम्पल बना लेना, अगर आपसे ज्यादा एग्जाम्पल पूछे। सॉलिड, गैस, कौन ज्यादा होना चाहिए? गैस, गैस ज्यादा होगा तो इसको क्या बोलेंगे? गैस सॉल या एरोसॉल बोल सकते हैं, एरोसॉल। क्या बनेगा इसके लिए? स्मोक। अगर नहीं होता क्या, अगर कोई कमरे में सिगरेट पी रहा है तो बस वो इसी का एग्जांपल है। गैस बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी सिगरेट पी है, इतनी सी पी है उसने, तो बेचारा ये थोड़ी देर बाद। तो ये हो गया, स्मोक आ गया उसका एग्जांपल। लिक्विड, सॉलिड, क्या लेंगे इसका एग्जांपल? जेल बोल दो, लिक्विड एंड सॉलिड, जेल। एग्जांपल इसका क्या रहेगा? चीज ले लो, बटर ले लो, फाइव। लिक्विड 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 लिक्विड, क्या लोगे इसका? इमल्शन, इमल्शंस, क्या हो जाएगा इसका? मिल्क, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास कौन ज्यादा है? अब गैस ही है तो एरोसॉल। कोई एग्जांपल बताओ, फॉग, मॉइस्चर, जहां पे मॉइस्ट, वो एक ही बात हो गया, फॉग, गैस, सॉलिड, सॉलिड सॉल ही बोल दो आप। स्पंज, मेरे ख्याल से इसका ज्यादा स्पंज भी बन सकता है, और ये प्यूमिक स्टोन होता है, एक हल्के स्टोन होते हैं, उनके अंदर एयर बबल्स तरह भरी रहती है, हल्के पत्थर। सेवन एट, गैस लिक्विड, यहां ले सकते हो आप फॉर्म, और इसका एग्जांपल इसको बोलेंगे फ्रॉथ, सॉप, लेदर वगैरह। और गैस गैस का नाम क्या लेंगे? अगर गैस गैस हुआ बताओ, नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों गैस कितना ही बड़ा पार्टिकल हो कोलाइडल रेंज में जा ही नहीं सकता।
अगर बहुत ज्यादा गैस का पार्टिकल बड़ा होता जाएगा ना, तो वो लिक्विफाइड हो जाएगा अपने आप ही रूम टेम्परेचर में, क्योंकि बड़ा होते ही वांडरवाल फोर्सेस वर्क करेंगे, तो फिर वो गैस नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, सॉलिड या फिर लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जैसे एच टू गैस है, एफ टू गैस है, सी एल टू गैस है, थोड़ा सा बड़ा होने की कोशिश करेगा, बी आर टू लिक्विड, आई टू सॉलिड, तो आपको गैस गैस मिलना ही मुश्किल है।